मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एमपी तक, साथ ही नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां बारिश का जायजा लेने प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हालात ऐसे भी नहीं है कि मंत्री जी को हवाई यात्रा से इलाके का जायजा लेना पड़े, लेकिन जब विपक्ष ने उनके हवाई दौरे पर सवाल उठाए तो मंत्री जी ने कहा अगर वो नहीं जाते तो भी सवाल उठाए जाते। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, अगर मैं नहीं आता तो पत्रकार विपक्ष सब खड़ा हो जाता, कोई आया नहीं। अब मैं आया हूं तो आप बार बार प्रश्न कर रहे हो कि बाढ़ के हालात हैं। जमीन स्तर पर क्या देखा है मैंने? सुनिए श्रीमान जी, मैंने जमीन पे देखा और मैं खुद कर रहा हूँ, दो तीन चार पांच गांव जा रहा हूँ जिनमें एक बास खड़ी भी है, जहाँ मैं कहा कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ के सिटिंग जो एमएलए भाजपा के एमएलए जो हैं गांडा जी, वो निकल चुके हैं सारे अधिकारियों लेके, मैं जा रहा हूँ। दरअसल बीजेपी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हेलीकॉप्टर से आने पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी नेताओं की माने तो मंदसौर में ऐसे हालात नहीं बने हैं कि हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करना पड़े। देखिए पहली बार ये परिदृश्य देखने को मिला कि हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर उतरता है और वहीं से हेलीकॉप्टर मंदसौर की सीमा रेखा में घूम करके चला जाता है। मुझे लगता है कि वर्षा पर्यटन करने के लिए माननीय मंत्री जी आए थे। अगर अधिकारियों की समीक्षा बैठक करना ही था तो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आधुनिक युग है, तकनीकी युग है, वहीं से सारी जानकारी ले सकते थे। लेकिन समीक्षा बैठक में पूरे जिले के हाल उन्होंने जान लिए कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में बैठ करके। उन्होंने खेत पर जाना आवश्यक नहीं समझा, अगर वो खेत पर जाते तो हालात मालूम पड़ते। और ऊपर से अगर देखा तो अब हम मंत्री से जानना चाहेंगे कि अगर इतने बदतर हालात मंदसौर जिले के हैं, वर्षाकालीन सत्र में इतनी फसलें अगर बिगड़ गई है और जहां आप उतर नहीं पा रहे हैं, और अक्सर देखा है कि हवाई सर्वे तब होते हैं जब पानी 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 तरबतर होता है और यहाँ फसल 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 खड़ी है, और अगर मंत्री जी देख करके गए कि नुकसान हुआ है तो मंदसौर जिले को कितना पैकेज देंगे? दूसरा, मेरे आग्रह पर एक किसान के घर जाने पर वे तैयार हुए, राजी हुए। मैं मीटिंग में गया था, मैंने कहा एक किसान, देखिए मैंने कहा ना ये वर्षा पर्यटन था, मानसून पर्यटन को लेकर के देखने आया था। अरे ये दृश्य तो भोपाल में भी दिख जाता, ये दृश्य तो सीहोर में भी दिख जाता, ये दृश्य तो रतलाम में भी दिख जाता। हालात मंदसौर जिले के वर्षा को लेकर इतने नहीं बिगड़े हैं कि माननीय मंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतर करके और किसी किसान के खेत में न जा पाए। जिस जगह हेलीकॉप्टर उतरा उसके आसपास भी अगर खेत देखेंगे तो खेत भरे हुए नहीं थे। कि कुल मिलाकर के ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस किसान के घर में तालाब के फूटने का पानी घुसने से सोयाबीन, गेहूं और चना करीब 20 लाख रुपए की लागत का बर्बाद हुआ है, आरबीसी के अंतर्गत क्या मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत राजस्व मंत्री जी कितना पैसा दिलवाएंगे? 10 लाख दिलवाएंगे कि 5 लाख दिलवाएंगे कि आरबीसी की धारा 6-4 के अंतर्गत ऊंट के मुंह में जीरे के समान? आपको बता दें कि मंदसौर में बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जी की हेलीकॉप्टर यात्रा की वजह से बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट।